बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूए ज़मीन पे बसने वाले हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना ज़ाती घर बनाए, और जिसके पास अपना ज़ाती घर है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर जो है ना वो बड़े से बड़ा बनाए और अपने बच्चों को एक बड़ी और अच्छी कम्युनिटी और अच्छी सहूलत प्रोवाइड करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बाद चीज़ें हमारी पहुँच से दूर होती जा रही है। लेकिन अगर आपको ये मौका प्रोवाइड किया जाए कि आप छोटी कैटेगरी के प्लॉट के पैसे अदा करें लेकिन आपको बड़ी कैटेगरी का प्लॉट दिया जाए, यानी कि आपके 5 मरले के प्लॉट के पैसे अदा करें लेकिन आपको 8 मरले का प्लॉट दिया जाए और आप बड़े और कुशादा घर के मालिक बन सकें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उमर ब्लॉक अलमानगढ़ फेज 7 की, जहाँ पे आपको 3 साल की किस्तों पर 8 मरले के प्रीमियर कैटेगरी के प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी कीमत है वो सिर्फ 5 मरला प्लॉट की बनती है। 54,40,000 रुपये कुल कीमत है 8 मरला प्लॉट की। 10,88,000 डाउन पेमेंट आपने अदा करनी है और जो बकिया पेमेंट है वो आपने 3 साल की आसानी के साथ में अदा करनी है। पर मंथ के सिर्फ और सिर्फ 50,000 बनती है। और मज़े की बात यह है कि ये प्लॉट्स ऑन ग्राउंड है, आप अपनी मर्जी का प्लॉट नंबर बुक करेंगे, अपनी मर्जी की लोकेशन पसंद करेंगे और डे फर्स्ट पे आपको अपने प्लॉट का पता होगा और लोकेशन का पता होगा और आपको पोजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेमेंट 3 साल में अदा करनी है। 10,88,000 सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट है और 54,40,000 कुल कीमत बनती है। इस तो पूरे लाहौर के अंदर अगर आप जाएँ तो आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 50 से 70-75 लाख रुपये की रेंज में मिलता है कैश के ऊपर, जहाँ पर हम आपको 8 मरले का प्लॉट दे रहे हैं 54,40,000 में और 3 साल की किस्तों पर दे रहे हैं। 10,88,000 डाउन पेमेंट दें, 4,000 पर मंथ किस्त दें और अपनी मर्जी का प्लॉट बुक कराएं। ये चंद एक प्लॉट है, लिमिटेड इन्वेंट्री है। अगर यहाँ पे आप अपना 8 मरले का प्लॉट बुक कराना चाहते हैं, जो कि नहायत ही आसान साथ भी और मुनासिब कीमत के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है, तो फौरी आप हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अलमानगढ़ फेज 2 के 4 नंबर गेट पर हमारा ऑफिस मौजूद है, बिशारत स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। आप वहाँ भी तशरीफ ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।